सो ग्रेटिंग्स पोकी फैंस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नए पोकेमोन रेड एडवेंचर चैप्टर के अंदर। और मैं मयूरेश आप सभी का स्वागत करता हूँ इस एपिसोड के अंदर। तो आज का एपिसोड स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी बोनस चैप्टर जो थे वो रैप अप हो चुके हैं। अगर आगे के बोनस चैप्टर अगर प्रॉपर चाहिए रहेंगे ब्रोकन डाउन के विदाउट, तो डेफिनेटली आपको एक्सपांशन वाली ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी जो आप ऑरेंज लीग जीतने के बाद आप यूज़ कर सकते हो। तो एक्सपांशन से पहले कौन से मिशन आपको ज़रूरी है वो मैंने अभी बता दिया है आपको, तो ज़रूर चेकआउट करना लास्ट एपिसोड, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में आपको एपिसोड की लिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट है कंप्लीट, जिसकी वजह से आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस के आंसर उस प्लेलिस्ट के अंदर ज़रूर है। गेम को स्टार्ट कर देते हैं और मैं बताऊँगा कि एक्सपांशन ट्रिक क्या करती है, कैसे करना है उसके अंदर, और डेफिनेटली आप इन पोकेमॉन्स को खो दोगे एक्सपांशन ट्रिक यूज़ करने के बाद। नए पोकेमॉन्स आपको मिलेंगे और लेवल भी आपके बढ़ जाएंगे हाईली ग्रोथ में, क्योंकि अभी एक्सपांशन ट्रिक यूज़ करने के बाद आपके जो सामने वाले ट्रेनर रहेंगे उनके पास आपको टोटल अप्रॉक्स पकड़ सकते हैं 250 या फिर 160 के लेवल्स के पोकेमॉन्स आपको देखने मिलेंगे। तो इसके लिए इस पर्टिकुलर ट्रिक को आपको यूज़ करना है इस गेम के अंदर, और आज के दिन में आपको मैं पूरी ट्रिक दिखाऊंगा। तो एपिसोड को लाइक करना और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लिक करेंगे ऊपर हमेशा की तरह और गेम यहाँ पर स्टार्ट होते हुए द पोकेमॉन एडवेंचर रेड चैप्टर। और इस बार मैं कंटिन्यू पे नहीं जाऊँगा, न्यू गेम पे जाएंगे। यस, थोड़ा लॉस ज़रूर है लेकिन ये चीज़ करनी बनती है। अगर आप कंटिन्यू आगे खेलते हो गेम, बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम ज़रूर होगा, ग्लिचेस ज़रूर होगे, तो इसके लिए इस एक्सपांशन ट्रिक को यूज़ करना ही पड़ेगा। ये रिकमेंड किया हुआ है उस क्रिएटर ने खुद ने, तो डेफिनेटली उसके अंदर मेरा कुछ भी हाथ नहीं है। यस डेफिनेटली, लेकिन उसको हम लोग कभी ट्राई करेंगे नो, क्योंकि डू यू वांट टू स्किप द कैंटो सागा? यस, हम लोग कैंटो सागा भी स्किप करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग ऑरेंज सागा भी स्किप करेंगे, ऑरेंज आर्चियोलॉजी उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन स्टोरी लाइन पोकेमॉन देन द स्टोरी की आइटम्स सम बोनस चैप्टर विल बी अनप्लेएबल एंड द डिफॉल्ट चॉइस फॉर द सीसीज कैरेक्टर आर्क विल बी डिफेक्टिंग फ्रॉम द पोकेमॉन एसोसिएशन। द गेम विल बी अज्यूम यू हैव बीन इंटरेक्टेड विद कार्ली एंड स्पार्क कैंडेला ब्लैंच विथ ऑटोमेटिकली इन योर हाउस, आर यू ओके विद दिस? यस डेफिनेटली, हम लोग इसके साथ ओके है। और ऑप्टेन द फैशन बॉक्स, हम लोग का फैशन बॉक्स मिल चुका है। ऑप्टेन द लेंस, और न्यू आइटम्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। कार्ड की हम लोग को मिल चुकी है, और ऑरेंज टिकट हम लोग को मिल चुका है, HM01, HM03, HM04, 5, 6, ओल्ड बैटरी, कोरल बैच, रूबी बैच, स्पाइक बैच, शार्क रिपेल, 0208, और हम लोग आ चुके हैं घर के अंदर विद न्यू आउटपुट। थोड़ा सा एक आपको अगर देखने मिलेगा तो ड्रेस थोड़े से चेंज हो चुके हैं इसके अंदर, मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सा ग्लॉसीनेस ऐड चुका है ड्रेस के अंदर। और ये सारे पोकेमॉन गो के बंदे हैं गेम के अंदर आए हुए, इनको गेम के अंदर कैसे लाना है वो मैंने बता के रखा सीरीज के अंदर, तो जरूर सीरीज को चेक कर लेना, ठीक है। ये टीम आपको मिलेंगी, और 64 लेवल पे था, 84 लेवल पे था, अभी मेरे सारे पोकेमॉन 160 पे है, और डायनामाइट और सारे पोकेमॉन चले जा चुके हैं हमारे, जिसी के अंदर भी पोकेमॉन नहीं रहेंगे वो वाले। ये पूरी कंप्लीट रेड की टीम थी जो अभी हम लोग आज से यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका ओल्ड बैकअप चला जाएगा, तो इसके लिए बोल रहा हूँ आप प्रॉपरली सोच बीच के ही गेम को एक्सपांशन में डाल देना। लेकिन एक्सपांशन के अंदर नहीं डालोगे तो बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाएगा आपका, आपका गेम सही से नहीं चलेगा, मतलब ग्लिचेस बहुत आते हैं तो कंप्लेंट्स बहुत आएंगी, तो डेफिनेटली इसके लिए बोल रहा है एक्सपांशन यूज़ करो। 160 लेवल के पोकेमॉन भी मिल जाते हैं विदाउट रेयर कैंडी, आपको लेवल बढ़ाने के लिए भी मिल जाएंगे, और डायनामाइट और बाकी सारे पोकेमॉन आप वैसे भी बाहर से पकड़ ही सकते हो, ओके। तो म्यूजियम हाइज बोनस चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट होते हुए लेटर पढ़ने के बाद अभी हम लोगों को MS कैन वी स्पीक टू यू, ओके, सो व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ शुड वी फ्रेम दिस, वी आर लीविंग। तो ये अभी बंदे भी जा रहे हैं, ब्लैंच वी आर बीइंग लाइन टू यू, व्हाट वी आर एजेंट सेंड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रोफेसर विलो फ्रॉम द ओरुशी रीजन, वी सेंड हियर टू इन्वेस्टिगेट द सीक्रेट क्रिमिनल एक्टिविटी इन द कैंटो सेक्टर, ओके। तो आई एम अफ्रेड नॉट गोको एमएस, आई एम स्पार्क द लीडर ऑफ द टीम इंस्टेंट्स, ओके, ही इज नोज योर नेम, आई वॉज मेकिंग एन एंट्रेंस एंड यू कैंडेला डिड माई मदर नो दिस, I am the leader of the team Bellore as your mother know, and I am the leader of the team Mystics in the Willow Academy. Thank you to you and your mother, low profile to the investigation. Now that our mission is completed, there is no need to us to stay here. Blanche, we must go as a Professor Willow's most trusted assistant. And yeah, but his mother passed away long ago. No, it's fine. Blanche is right. You guys have your own duties. You know what, Goku MS, take this. So, हम लोग को कुछ चीजें मिलने वाली हैं, हम लोग को मिल चुका है the Zapdos. That Zapdos, yes, Spark. What, he's going to be alone without us? At least with the Zapdos by side, he will be able to defeat any of the blah blah things. Or, हम लोगों को मिल चुका है Moltres.
तो हम लोग को मोल्ट्रेस भी मिल चुका है, और ब्लैंश कैंडेला ने हम लोग को मोल्ट्रेस दिया है, स्पार्क ने हम लोग को जेप्टोस दिया है, और ब्लैंश हम लोग को शायद से देगी आर्टिगोन। आर्टिगोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन, यू हैव टू प्रूव टू योर मी दैट यू आर वर्दी एंड कैपेबल। तो हम लोग अभी बैटल करेंगे ब्लैंश से, उसके आर्टिकुनो से, उसके आर्टिकुनो को डिफिट करेंगे, या फिर पहले कैप्चर करके देख लेते दे, या फिर पहले डिफिट करेंगे। मूव सेट बहुत ही गंदा है इस बार यार, मतलब इतना चेंज हो चुका है मूव सेट। तो पिकाचू को सिलेक्ट करके देख लेते हैं, अच्छा मूव सेट है पिकाचू का, लाइट स्क्रीन निकालना पड़ेगा फीचर के अंदर, तो वो सारी चीज़ें तो डेफिनेटली हम लोग करने ही वाले हैं। डिस्चार्ज आइस बीम से पिकाचू डाउन होते हुए, तो अभी गैटॉस को सिलेक्ट कर लेते हैं, गैटॉस के पास भी अच्छा खासा है, रेन डांस निकालना पड़ेगा, ड्रैगन डांस निकालना पड़ेगा, हाइपो बीम यानी हाइड्रो पंप निकालना पड़ेगा। देखते कौन से मूव सेट हम लोग को कितना यूजफुल होते हैं, क्योंकि ये जो मूव सेट है उसके वजह से डेफिनेटली मैं यहाँ पर डिफीट हो सकता हूँ। क्लोज कॉम्बैट यूज़ करके देखते हैं, जिससे कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला, क्योंकि डेफिनेटली वो फ्लाइंग टाइप है। और यहाँ पे बुलडोज करके देखते हैं, आइस बीम से हम लोग का पॉलीपैक भी चला जा चुका है, विनोसोर आ रहा है, विनोसोर के लिए हम लोग अभी सोलर बीम कर सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा। आइस बीम अच्छी तरीके से यूज़ हो रहा था, लेकिन सोलर बीम ने आर्टिकोनो को हरा दिया। हम लोग को 6910 एक्सपी पॉइंट्स पे मिल चुका है। हियर यू गो आर्टिकोनो टू द गोको एमएस। हम लोग के पास जेप्टोस, मोल्ट्रेस और आर्टिकोनो तीनों के तीनों हैं, उसके साथ साथ हमारे पोकेमॉन के लेवल भी बढ़ चुका है 160 तक। और हाँ, स्पार्क वी हैव आइडल हियर लॉन्ग अगो, सी यू गोको एम एस, कम विजिट अस वन डे, गुड बाय गाइस। तो ओरोशि रीजन शायद से फ्यूचर के अंदर हम लोग को इस गेम के अंदर खेलने मिल सकता है, V2 वर्जन के अंदर, ठीक है। बैक के अंदर आपको कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगी, जो अभी फिलहाल जो मिले हुए बैजेस से जो गेम के स्टार्ट में हम लोग को मिले थे, वैसी सिमिलर चीज़ें होंगी। और यहाँ पे HMs है, तो सारी चीज़ें फिर से एक बार कलेक्ट करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आपने एक्सपांशन से पहले अगर वो TM कलेक्ट किए रहेंगे, तो एक्सपांशन के बाद वो TM वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो फाइनली जाके एक बड़ी चीज़ मैंने आपको आज के एपिसोड में बता दी, कि क्विकली आप कैसे पॉइंट पे अपडेट हो सकते हो, लेवल बढ़ा सकते हो खुद के पोकेमॉन्स के। और एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का एपिसोड इतना ही था, छोटा सा था, काइंड ऑफ इस चीज़ को कवर करना चाहता था। आपको मोल्ट्रेस, सेप्टोस और आर्टिकुनो भी मिल जाएंगे यहाँ पे फोकट में, ज़्यादा कुछ किट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके साथ साथ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में पूरी गेम की प्लेलिस्ट देख के रखी हुई है, बहुत ही एडवांस मिशन है, बहुत ही पजल वाले मिशन है, तो आपको ज़रूर इनकी हेल्प होगी ऐसा मुझे लगता है, तो ज़रूर इनको चेक कर लेना। और पसंद आते तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता एपिसोड पसंद आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने नहीं किया है, जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पोकेमॉन एडवेंचर रेड चैप्टर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायनारा। बाकी के सारे गेम प्लेस मेरे लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जरूर उनको चेकआउट कर लेना, ठीक है। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।